MI 11 एक्स हमको 20,000 के बजट में मिल रहा है, तो क्या ये फोन परचेस करना सही होगा कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए, ऑलराउंडर के हिसाब से, क्या VGMI कैसा चलाता है? तो गाइस ये फोन को मैंने बहुत दिन तक यूज किया, 1.5 साल तक, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो भी बनाए, एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले गाइस, क्या 2023 में ये फोन को परचेस करना चाहिए फिर नहीं। फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसके लिए गाइस ये फोन बहुत ज्यादा फेमस था। फोन के अंदर कैमरा जो था उसका भी क्वालिटी कैसा देखने को मिला था, सब कुछ वीडियो के अंदर मैं आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हूँ। और 2023 में अगर फोन का एज 2 साल से भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो 2 साल बाद कहीं ये फोन परचेस करना सही होगा लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए, कैमरा के लिए, अदरवाइज सभी कुछ। और अगर ये फोन को आप लोग परचेस नहीं करना चाहते हो तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव फोन भी मैं आप लोग बताने वाले हूँ वीडियो में। सो यहाँ पर अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इतना सारा फोन वगैरह परचेस करने के बाद रिव्यू दे दो भाई, बहुत पैसा खर्च हो जाता है भाई, मेहनत का थोड़ा दाम दो भाई, सब्सक्राइब कर दो हो सके तो। तो चलो मुझे पता आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते कर दोगे, भूल जाते हो कभी कभी, तो चलो भी स्टार्ट करते वीडियो को और बात करते 11X के बारे में। सबसे पहले गाइस देखते हैं फोन के अंदर मिलता है कौन सा प्रोसेसर, क्योंकि गेमिंग के लिए फिर कैमरा के लिए जो भी हो, फोन का लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो फोन का परफॉर्मेंस। तो प्रोसेसर अच्छा हो तो फोन लॉन्ग टर्म चलेगा, तो पर फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 870 ऐसा सबसे 83 के स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मेरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेरे को ये प्रोसेसर लगता है और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोसेसर भी है। और ज़्यादातर मैं फ़ोन को परचेस करता हूँ ये वाला प्रोसेसर को देखकर, और ये वाला प्रोसेसर अगर कोई भी फ़ोन के अंदर है, दो एक फ़ोन को छोड़कर कोई भी ऐसा फ़ोन मैंने देखा नहीं कि ये प्रोसेसर है और फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस ख़राब देखने को मिलता है। और MI 11X के साथ ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी है MIUI होने के बाद भी। तो गाइस ये फ़ोन को अगर आप लोग परचेस करते हो तो प्रोसेसर के हिसाब से आपको फ़ोन बहुत सही देखने को मिलेगा, और एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। LPDDR5 का रैम फोन के अंदर देखने को मिलता है, और 20,000 के अंदर इससे अच्छा प्रोसेसर आपको फोन के अंदर और LPDDR5 का रैम के साथ UFS 3.1 का स्टोरेज कोई भी फोन में प्रोवाइड नहीं करता। इस प्राइस के अंदर ज़्यादातर फोन में अगर न्यू परचेस करना चाहोगे MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और MediaTek का प्रोसेसर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए इतना खास नहीं होता। मैं आप लोग एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी हाई प्राइस के फोन में 40-50,000 के फोन में देखना नहीं फोन के अंदर MediaTek का प्रोसेसर लगा होता है, क्योंकि पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, लोगों का ट्रस्ट भी है प्रोसेसर के ऊपर, और इसके अंदर तो भाई स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। फिलहाल के लिए मैं जो एडिट कर रहा हूँ ये वीडियो को, वो भी गाइस स्नैपड्रैगन 870 वाला ही फोन है, फोन का नाम है गाइस IQ7, और ये गेम प्ले भी इस फोन से किया है। तो ओवरऑल गाइस ये प्रोसेसर को मैंने 2 साल से यूज़ किया, मैंने 2 साल तक बहुत सारा फोन के यूज़ किया, हर एक फोन के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और इस प्राइस के अंदर इससे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर का ऑप्टिमाइजेशन फोन के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए फोन को परचेस करना है, फोन के अंदर 60fps का गेमिंग देखने को मिलता है, और 60fps पर काफ़ी अच्छा हैंडल कर लेता है गेम को, न्यू फोन परचेस करते हो 2 साल तक आपको फोन के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अगर हम लोग देखें 20,000 के अदर फोन से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे फोन डेड हो रहा है, उसके बारे में बाद में बात करने वाले, MI 11X के डेट के बारे में क्या सच है, कितना सच है, उसके पहले बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा के बारे में। ये फोन का जो कैमरा है गाइस वो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। फोन के अंदर गाइस 48MP का, पहले बोलता हूँ मेगापिक्सल पर मत जाना, आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ भाई मेगापिक्सल पर बिलीव मत करना फोन का कैमरा क्वालिटी देखना, क्योंकि भाई आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, IQ के अंदर भी 48 ऐसा मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कि 200 मेगापिक्सल वाला रियलमी को भी बीट कर देता है। सुपर गाइस सेंसर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है, और उसके साथ एपर्चर, फोन के अंदर गए सोनी IMX582 का सेंसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल सेंसर है, और सोनी का सेंसर भाई ये फ्लैगशिप लेवल का सेंसर था तभी के टाइम का, और अभी भी यार काफ़ी अच्छे वर्क करता है। फ्रंट में आप लोगों को 20MP का कैमरा देखने को मिलेगा जो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और बैक कैमरा आप लोगों को EIS वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन OIS देखने को नहीं मिलता। सो किस पर कैमरा काफ़ी ज़्यादा सही लगा है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा से इस प्राइस के अंदर अभी भी। और कैसे भी बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, सो फोन के अंदर भाई काफ़ी अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और अगर चेंज करने जाओगे तब भी वाट लगने वाला है, क्योंकि फोन का डिस्प्ले का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। फोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, फोन के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसके अंदर MMSE चिप देखने को मिलती है, इसके वजह से कलर वगैरह या फिर इस प्राइस के अंदर आप लोगों को बोलूँ 25,000 में भी कोई भी ऐसा डिस्प्ले नहीं है जो कि इसका डिस्प्ले को बीट कर पाए। सुपर फोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर बात करें फोन का 5G कनेक्टिविटी का, जो लोग 5G के लिए फोन को परचेस करते हो 2 5G बैट का सपोर्ट देखने को मिलती है, इसको सोचना मत कि 5G नेटवर्क नहीं आएगा, दोनों ही गाइस पावरफुल बैट दिया गया जो कि 3600 MHz पर रन करता है। यहाँ पर गाइस N77 और N78 का बैट देखने को मिलता है फोन के अंदर, सुपर 5G में भी कोई प्रॉब्लम नहीं
नहीं आएगा। फोन के अगर बात करें बैटरी का, 4520 mAh का हम लोग को बैटरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर चार्जर थोड़ा सा लो वाट का देखने को मिलता है, फिर भी गाइस बहुत फास्ट चार्ज कर जाता है। जहाँ पर गाइस रेडमी K50i 67W का चार्जिंग के साथ एक घंटे से ज़्यादा लेता है चार्जिंग कर रहे हैं, लेकिन गाइस ये फोन 50 मिनट के अंदर 33W का चार्जर के साथ फुल चार्ज हो जाता है। तो पर चार्जिंग बैकअप भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ गाइस प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। और ये फोन में जो MIUI देखने को मिलता है उसके अंदर एड्स वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं आता आप लोग मान लो फोन के अंदर। तो यहाँ पर गाइज अगर आप लोग और भी अच्छा फोन को चलाना चाहते हो तो फोन को आप लोग कस्टम रोम पर लेके जा सकते हो, नहीं तो गाइज अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चलाओगे तो भी फोन काफी अच्छा चल जाएगा। फोन के अंदर आप लोग 90fps पर BGMI को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो एक्सपोर्ट कर जाते हो, काइन मास्टर पर 4K तक वीडियो को आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8 सीरीज का जो भी प्रोसेसर है फ्लैगशिप लेवल का, सबके अंदर आप लोग 4K पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज एडिटिंग क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरे बहुत सारे फोन में मैंने देखा है फोन का क्वालिटी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी वगैरह उतना खास देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलता है इसके लिए, और रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी गाइस काफी ज्यादा अच्छा है। बैक में फोन में ग्लास देखने को मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और फोन का लुक एंड डिजाइन भाई एकदम टॉप नॉच, अभी के टाइम पे अगर किसी के हाथ में दोगे प्रीमियम सा फील होगा और लोग बोलेंगे भाई ये एक फोन है जो तूने बाय किया, जो कि फ्लैगशिप लेवल का है। 20,000 के अंदर कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये फोन 20,000 का फोन है। तो पर फोन काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। लेकिन गाइस कुछ लोग बोल रहे हैं के अंदर रेंज इश्यू है, उसके बारे में भी बात करते हैं। रियलिटी की अगर बात करें MI का बहुत सारा फोन को मैंने देखा है डेड होने का, तो ये हो सकता है कि फोन डेड हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि बहुत सभी फोन डेड हो गया पोको X3 प्रो जैसा, तो ऐसा कुछ सेन नहीं है। अगर आप लोग न्यू फोन को परचेस करोगे 20,000 से, एक साल तक आपको वारंटी में देखने को मिलेगा। और ये फोन को अगर सेकेंड हैंड बेचोगे 15-14,000 में आप लोग बेच सकते हो, तो वहाँ पर गाइस आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस फोन का काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एक साल तक आप लोग कूट के फोन को यूज़ कर सकते हो, और एक साल बाद अगर बेचना तो भी बेच सकते हो, नहीं तो लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए। जो लोग यार फोन को लॉन्ग टाइम के लिए परचेस करना चाहते हो, मैं कोई भी फोन का गारंटी नहीं दे सकता कि एक साल बाद ये फोन खराब ना हो, तो ऐसा भाई बहुत सारे फोन में ग्रीन लाइन इशू आता है, 6-7 हज़ार उन फोन में भी खर्चा हो जाता है। तो ऐसा गाइस मैंने उसके मेरे बहुत सारे दोस्त के पास भी है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो पर मेरे हिसाब से अगर मेरे को बोलो तो मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं ये फोन को परचेस करूंगा, अगर 20,000 में मेरे को कोई फोन परचेस करना है तो अभी आप लोग डिसाइड करो परचेस करना है फिर नहीं, हो सकता है मैंने आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। और मेरे भाई अगर आपको और कोई चीज के ऊपर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उधर से जाके फॉलो कर सकते हो। और मैंने पहले ही बोला था MI 11X के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो पहले ही चैनल पर बना के रखा है, तो यहाँ पर आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो को क्लिक करना, MI 11X का बहुत सारा वीडियो देखने मिलेगा, राइट साइड में गेमिंग टेस्ट वगैरह देखने मिलेगा, MI 11X का वर्सेस देखने मिलेगा, तो चेकआउट कर सकते हो।